नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाले हैं और आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है और आज के दिन आप सभी को किन किन चीजों से आपको लाभ मिलने वाले हैं और किन किन चीजों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय समय पर मिल सके। आज के दिन आपके लिए आशावादी बने और अपने उलझे पक्ष को देखें, आपका विश्वास में उम्मीद आपकी इच्छाओं की आशाओं में इसके लिए भी नए दरवाजे खोलेंगे। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो आज से ही धन की बचत करें। आपको पारिवारिक सदस्यों में काबू में रखने के लिए उनकी ना सुनने प्रवृत्ति की वजह से वे ग्रह वाद विवाद भी हो सकते हैं और आपको आलोचना से भी सामना भी करना पड़ सकते हैं। अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की संभावनाएं और हैं। आज आपको अपने ससुराल पक्ष में कोई भी बुरी खबर भी मिल सकती है जिसके कारण आपका मन भी दुखी भी हो सकते हैं। आप काफी समय सोच विचार करने से गवा सकते हैं। मुमकिन है कि अपने माता पिता आपके जीवन साथी के कुछ शानदार आशीर्वाद दें जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में निखार आने वाले हैं। लंबे समय के बाद में भरपूर नींद का मजा लें और पाएंगे। इसके बाद पर भी आप बहुत शांत और ताजा महसूस करने वाले हैं। दायित्व में से सूक्ष्म प्राप्ति भी के लिए भी केसर का खाने का भी प्रयोग करने के लिए आज के दिन आपके ऊपर बहुत ही जरूरी रहने वाले हैं और बहुत ही लाभ भी मिलने वाले हैं। और आज के दिन आपके लिए दिन की शुरुआत से आपके के लिए भी भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से अपने कार्य को संपन्न करने वाले हैं। इससे आपके महत्वपूर्ण निर्णय और आज लेने के सक्षम रहने वाले हैं। अगर आपके घर बदलने जैसी कोई भी योजना बन रही है तो आज इस विषय में महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है और आज आपको अपने व्यवहार में मनन करना भी आवश्यकता होंगी क्योंकि कभी कभी अपना गुस्सा जल्दबाजी आपके बनते कामों को भी बिगाड़ देते हैं। अपनी इस ऊर्जा के लिए सकारात्मक रूप से प्रयोग में लाएं तो आपके लिए भी अति लाभदायक रहने वाले हैं। काफी समय बिजनेस में भी जो भी गतिविधियां रुकी हुई थी उन पर भी कुछ गति आने वाली है। साथ में तथा चीजें व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगे परंतु कोई भी कार्य करने से पहले उनकी रूपरेखा अवश्य बनाए। जल्दबाजी में काम बिगाड़ सकते हैं। घर में तथा व्यवसाय दोनों में सामंजस्य बना के रखने में सफल रहने वाले हैं। नजदीकी संबंधियों में साथ में गेट टुगेदर भी होने से भी प्रफुल्लित रहने वाले हैं। आर्थिक गतिविधियों में लेकर मन में कुछ उदासी और डिप्रेशन जैसी स्थिति भी आज के दिन आपके ऊपर रह सकती है। मेडिसिन योगा पर भी ध्यान दें और आज आपका भाग्यशाली रंग रहने वाले हैं लाल और आज आपका भाग्यशाली अंक रहने वाले हैं एक, जो आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। आज आपको खुद ही खुद के काबिलियत के बारे में और बार बार याद दिलाना होगा तभी आप तय के बातों में काम कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपका मार्गदर्शन बना रहेंगे जिसके कारण योग के मार्ग पर टिके रहना और अपने लक्ष्य के प्रति कदम बढ़ाते रहना आपको अब आसान लगेंगे। केवल आपको अपने इच्छा शक्ति को बनाए रखना होगा। काम से संबंधित बातों में उतार चढ़ाव भी नजर आने वाले हैं लेकिन इसका असर आर्थिक परिस्थिति का भी नहीं पड़ने वाले हैं। पार्टनर्स की वजह से कुछ बातों पर भी चिंताएं महसूस हो सकती हैं। शारीरिक तकलीफों के भी कम होने लगेंगे। सेहत को ठीक रखने के लिए जीवन शैली में आज के दिन आपके ऊपर कुछ बदलाव भी होने की पूरी पूरी संभावनाएं भी रहने वाली हैं। आज के दिन किसी भी निकट व्यक्ति के अच्छा सहयोग भी मिल सकते हैं। करियर संबंधी विशिष्ट गतिविधियां भी हो सकती है। तनाव भी आज के दिन आपके ऊपर रह सकते हैं। शनिदेव को भी काले तिल चढ़ाना आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। स्टाफ भर्ती करना या बदलना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर्जिकल आइटमों के निर्माताओं के लिए विक्रेताओं के लिए भी अच्छा लाभ भी हो सकते हैं। सिर भी आज के दिन कुछ दर्द भी रह सकते हैं। श्री हनुमान सरितों का भी पाठ करना आज के दिन के लिए आप सभी के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। वित्तीय क्षेत्र से संबंधित अच्छा और उच्च अधिकारियों के लिए भी स्थान दायित्व में बदलाव झेलना भी पड़ सकते हैं। किसी भी अनचाहे मामले में भी खर्च करना पड़ सकते हैं। गरिष्ठ भोजन से भी आज बचने की भी जरूरत होगी। गाय को गुड़ रोटी देने से आज आपके शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छे रहने वाले हैं और सुकून भरा दिनचर्या आपके साथ व्यतीत होते चले जाएंगे। आज के दिन ऑफिस के काम की यात्रा भी हो सकती है। किसी
भी, परिवार के लिए भी खास खर्चा भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में दो पैर आगे और तीन पैर पीछे वाली स्थिति भी आज के दिन आपके ऊपर रह सकती है। गणेश भगवान को चोला जड़वा दें, आज आपके जितने भी समस्या होने वाली थी वह भी दूर होने वाली है और सारी मनोकामना आज आपके गणेश जी पूर्ण करने वाली है। आज के दिन करियर के मामले में अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए समय आ गए हैं। रिश्तों में फिर से भी सुख मिल सकते हैं, मन आपके लिए प्रशंसा भी रह सकते हैं। संतान को मिष्ठान भेंट कराना आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। किसी भी निकट परिचित के लिए भी खास मदद भी कर सकते हैं। फोन पर सुखद समाचार भी मिल सकते हैं, थकावट भी अधिक रह सकते हैं और सुखद समाचार में भी मिल सकते हैं। थकावट के रहने से कुछ प्रॉब्लम भी आपके शरीर में हो सकते हैं। भैरव बाबा को इमरती का भोग लगाने से आज आपके शरीर की जितनी भी समस्या होंगी वह भी दूर होते चले जाएंगे। आज प्रॉपर्टी के लिए भी और आज कारोबार में उठा पटक के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा लेने के देने भी पड़ सकते हैं। बाजार में आज के दिन आपके ऊपर कुछ झटका भी लग सकते हैं। नसों में भी सिंचाव की समस्या भी रह सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने से उसका जल माथे में लगा के घर से जिस कार्य के लिए निकलेंगे वह कार्य आज आपके पूर्ण होंगे और सारे लाभ भी आज के दिन की शुरुआत से मिलते हुए चले जाएंगे। आज के दिन बैंकिंग क्षेत्र में से और आज के अधिकारियों में झटका भी लग सकते हैं। अकेंचन में से और जुड़े लोगों के लिए विभागीय परेशानी भी और आज भी हो सकते हैं। हड्डियों में जोड़ों के दर्द भी कुछ दुखी भी कर सकते हैं। देवी अलगरा सरतों का भी पाठ करना आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत बड़े लाभ होंगे, बहुत बड़े फायदे होंगे और सारे काम आपके बनने वाले हैं। महिलाओं को चाहिए कि महिला वर्ग में उठना बैठना कम करें, अपने गोपनीय बातों के भी यथासंभव किसी से भी ना करें, अन्यथा चिंताएं भी घेरे रह सकती हैं। सरस्वती देवी को चंदन का तिलक करना आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपकी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जो आपको बिना सोचे काम करने के लिए उकसाएंगे। यह सही समय है जब आपको अपने कुछ समझौता नियंत्रण में रखकर युद्ध स्थल पर भी काम करना, अपने बच्चों के छोटे बहन भाइयों के लिए सुरक्षात्मक रवैया अपनाना, आप अपने बहुत सारी तरह से सामाजिक गतिविधियां शामिल होंगे, यहाँ आपका बहुत अच्छा स्वागत होने वाले हैं। अपने शरीर में विकास का स्थान पर मानसिक विकास के बारे में सोचें आप अपने और आज अपने आपको शारीरिक और रूप से भी फिट ही रखते हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक काम करने वाले मन उतना ध्यान नहीं रख पाते और शांति रखें, किसी ऐसे मनोरंजन कार्यकलापों के लिए हिस्सा ले सकें जिसके आपके मन में ताजगी अनुभव होने वाली है। आपका कुछ समय खुद के लिए भी दे पाएंगे, एकाग्रता रहना, ध्यान के लिए भी कोशिश करें, अपने कई दिशाओं में भागते हुए मन की कोशिश करके अपने विचारों में भी एक दिशा देने के भी आज के दिन आपके ऊपर कोशिश करने होंगे। आप अपने सारी बातें अपने तक में सीमित रखे हुए हैं और तब और समय के लिए आप अपने साथी के साथ में से साझा करें। यदि आपके कुछ रहस्य में डर है तो उनका भली भांति सामना करें।